23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मुझे आने वाले प्रधानमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आने वाली सरकार से भी हम यही कामना करते हैं कि हमें आगे भी बोलने का मौका दिया जाए। देश के किसानों को उनके फसलों का सही दाम मिले, गवर्नमेंट फार्मर्स के सारे इश्यूज को इमीडिएट लेवल पे एड्रेस करे, खासकर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का इशू, जिससे कि फार्मर्स को जितनी भी मुश्किल हो रही है हमारे देश में वो उनकी मुश्किलें सॉल्व हो। हम लोग महिला होने के नाते सोचते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है महिला के लिए सिक्योरिटी कुछ अच्छी से हो। स्पेशल फैसिलिटीज़ वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए ड्यूरिंग नाइट ट्रैवल और मॉनिटर, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। जो महिलाएं हमारे गांव में हमारे शहरों में मोहल्ला में जो शोषण शोषित है, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके बलात्कार हो रहा है, महिला के नाते उनको दबाया जाता है, तो उनको अधिकार के लिए सरकार को, आने वाली सरकार को उसके लिए ठोस कदम देना पड़ेगा, महिला को आगे लाना ही पड़ेगा। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर्स में भी। जो शिक्षित युवा है, जो बेरोजगार हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर उनको रोजगार के कोई साधन उपलब्ध कराए। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वी नीड अ रादर डिसेंट्रलाइज सिस्टम रादर देन अ सेंट्रलाइज सिस्टम एंड एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड IT एंड हेल्थ सेक्टर। जाति आधारित चुनाव होते हैं, उस जाति की जो ये परंपरा बनी आ रही है उसको तोड़ने की जरूरत है। हम आज भी देखते हैं जाति पाति देखकर नाम वोट करते हैं, धर्म संप्रदाय, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि उसका कोई मोल ही नहीं है इस समाज में, लेकिन फिर भी उसको देखकर वोट किया जाता है। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के खिलाफ, मॉब लिंचर के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। We want more people to be part of this fabric who are growing together, irrespective of the caste, irrespective of the locations, irrespective of what their ethnicity is. पिछले विगत वर्षों में शिक्षा का स्थिति रही है वो बहुत दयनीय रहा है, और इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उसको मैक्सिमम फंड अलॉट करना चाहिए। पब्लिक एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाए जिससे कि देश में अच्छी क्वालिटी के नए गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुल सकें, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो चुके। पॉल्यूशन एक ऐसा मुद्दा जिसे कोई पॉलिटिकल पार्टी पिकअप ही नहीं करती, उसकी तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। And you know the various projects which are hampering the environment should be stopped at once. जो भी सरकार सत्ता में आए वो योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करे और कोशिश करे कि जो योजनाएं हैं, जितनी भी सरकार की लाभदायक योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही व्यक्ति तक और सही समय तक हो सके।